हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मीत के आज के एपिसोड में दिखाया गया है, मीत अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है लेकिन मानुषी और कुणाल अपने बचाव के लिए मीत के बच्चे की गाड़ी को धक्का दे देते हैं लेकिन वो गिरने वाला होता है, लेकिन कैसे भी मीत करके उसे बचा लेती है। इधर दूसरी तरफ बर्फी देवी मीत से कहती है, तू ठीक है, मैं तेरी शर्त मानती हूँ, मैं ईशा को कुछ नहीं कहूंगी, ना ही पुलिस के सामने मैं अपना मुंह खोलूंगी, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। जिस पे मीत कहता है, आप मुझसे मेरी जान भी मांगेगी तो मैं दे दूंगा, मैं एक बेटे जैसा पूरा ख्याल रखूंगा, आपको पैसे कमा के दूंगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जिस पे बर्फी देवी गुस्सा हो जाती है, मुझे कहती है, तू मेरे बेटे को पैसे से तोलेगा, मैं किसके लिए पैसे कमाऊंगी, तू मुझे पैसे देगा, मैं किसको दूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए ही तो सब कुछ करती हूँ, लोग अपने बच्चों को ही पैसा देते हैं। उसके बाद मीत कहता है, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा, ठीक है। जिस पे बर्फी देवी कहती है, तुझे मेरी बेटी से शादी करनी। मीत कहता है, ये कैसे संभव है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और वो जो लड़की मंजरी है वो मैं जानता हूँ, वो मेरी असली पत्नी है, बस वो किसी वजह से ये सब घर वालों से और मुझसे छुपा रही है। इधर दूसरी तरफ मीत मानुषी के बीच झड़प हो जाती है बच्चे को लेके। अचानक से मानुषी का पैर एक एसिड वाले सीमेंट में फंस जाता है और उसका पैर जलने लगता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन मीत अपने बच्चे को लेके जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, तू मानुषी को बचा ले, रक्षाबंधन के लिए तू बचा ले, तू हर साल वो तेरी कलाई पे राखी बांधती है, तू उसे बचा ले। इधर वो कुणाल उसको बचाने के लिए आता है लेकिन उसके सामने तभी एक बुलडोजर गाड़ी अपने आप आने लगती है। कुणाल अपने आप को बचाने के लिए मानुषी को वहीं छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद मीत उसे बचाने आती है, मीत उस गाड़ी को रोक लेती है और मानुषी का पैर भी उस एसिड वाले सीमेंट से बाहर निकाल देती है। इधर दूसरी तरफ बर्फी देवी कहती है, सुदीप और तू बचपन के दोस्त है, साथ साथ बड़े हुए भाई जैसे हो, दीप की चिता को आग दे। और जब मीत आग दे देता है तो बर्फी देवी कहती है, जब तक मेरे बेटे की आग ठंडी होती है तब तक तेरे पास सोचने का समय है और जवाब बस हाँ में ही होना चाहिए। इसके बाद इधर मीत वहां से चला जाता और सुई से मिलने आता है। वो कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया है, वो कहाँ है, धोखेबाज, फिर से कोई नाचाल चल रही है। जहाँ पे उसकी फुई उसे सब कुछ सच बता देती है। फिर वो कहता है, मेरा बच्चा कहाँ है, उसकी फुई बताती है अपनी नानी के पास उस घर में। मीत वो अपना बच्चे के पास जाने लगता है। इधर मानुषी को भी मीत बचा लेती है और वापस आती है अपने बच्चे से मिलने। दोनों कार के अपोजिट साइड खड़े होते हैं, अपने बच्चे से मिलने के लिए बेचैन होते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।